जी नमस्कार सर। रुकी अहमद जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। रुकी अहमद जी जरा अपने विषय में बताइए। जी मैं वास्तु में रहता हूँ सर, और मेरा छोटा सा गाड़ा है कदम बसंत के पास, उसमें मैं चाय, समोसा, पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट, ये सारे सब चीजें मैं उधर लोगों को प्रोवाइड करता हूँ सर। तो आप भी मेरी तरह चाय वाले हैं? जी सर। हाँ बताइए। तो ये आपको शारीरिक प्रॉब्लम जन्म से है कि बाद में कुछ तकलीफ हो गई? जी मैं 1 साल का था तभी मेरे पैर से पैर पे बुखार से पैर मेरे हो गया सर, पोलियो हो गया। लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं हारे? नहीं सर। अच्छा मुझे बताया गया कि आप पैरा टेबल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आपकी इस खेल में अब तक क्या उपलब्धि रही है? जी सर मैं तो अभी बचपन से ही थोड़ा बहुत खेल कूद में थोड़ा इंटरेस्ट था सर। अभी ये पिछले 2 साल पहले अभी एक पैरा टूर्नामेंट टेबल टेनिस ऑर्गेनाइज किया था एक एनजीओ ने, तो पिछले 2 साल के 2 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैं गोल्ड मेडल लेके आया हूँ सर, और इसके आगे भी मेरा अभी स्टेट लेवल को भी खेलने के लिए मेरी बहुत इच्छा है सर। अब मेरी प्रैक्टिस भी चल रही है सर। अच्छा आपको अब तक सरकार से क्या मदद मिली है? स्वयंपूर्ण गोवा के माध्यम से सर पिछले दिन में 2020 में दिसंबर में एक कैंप लगा था सर डिजेबल के लिए, तो स्वयंपूर्ण मित्र ने हमें कांटेक्ट करके सर हमें उनके बारे में जानकारी दी, तो फिर वो जानकारी में हमने बहुत सारे हमारे भाई बहन भी उसमें पार्टिसिपेट लिए थे सर, कम से कम 203 आदमी हमारे डिजेबल भाई थे, तो उन सारे सभी को भी हमको व्हीलचेयर्स और क्रचेस भी सब लोगों को प्रोवाइड करे सर, और हमें यूडीआई कार्ड भी मिला उसमें, और यूडीआई कार्ड के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी भी मिली है सर। अच्छा आपको जो मदद मिली है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर कुछ भी नहीं दिक्कत आई सर। अच्छा बहुत आसानी से हमें प्रोवाइड किया गया सर। अच्छा देखिए रुकी अहमद जी, आपका साहस सभी को प्रेरित करता है। जब से जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के दिव्यांग भाई बहन पूरे सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जी सके। जी सर। ब्रेल के मानकीकरण से लेकर उनके उपकरण की व्यवस्था तक इसी सोच का प्रभाव है। अभी आपने देखा कि कैसे देश के पैरा एथलीट ने देश का नाम ऊंचा किया है। आप भी एथलीट हैं, पूरा जोर लगा दीजिए, जो कुछ कमी होगी उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है, और आप भी प्रगति कीजिए, गोवा का नाम भी रोशन कीजिए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। शुक्रिया। नमस्कार।